प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रक्षा मंत्रालय के दो नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम थल सेना, नौसेना, वायुसेना और सिविल ऑफिसर से भी बातचीत करेंगे। और वहीं पीएम मोदी के ये आपको इस बीच तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद पहुंच चुके हैं। वो तो रक्षा मंत्रालय को दो नए ऑफिस मिलेंगे। और आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी के रक्षा कार्यालय परिसरों के उद्घाटन से पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने यहां पर पूजा भी की है। तो ये भी आपको जानकारी दे दें कि मंत्रालय के करीब 7000 अधिकारियों के नए कार्यालय अब मध्य दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और चाणक्यपुरी के पास अफ्रीका एवेन्यू में शिफ्ट किए गए हैं। ये दोनों बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले फेज के तहत तैयार होंगे। दरअसल अब तक रक्षा मंत्रालय का मुख्य दफ्तर साउथ ब्लॉक के पास था, जबकि बाकी दफ्तर इधर उधर थे। इनको अब इन दो बिल्डिंग्स में समाहित कर दिया जाएगा और दोनों ही बिल्डिंग्स अब तैयार हैं। अगले कुछ महीनों में कर्मचारी इनमें शिफ्ट भी हो जाएंगे। नए कार्यालय परिसरों में करीब 27 कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाएगा। इनके निर्माण पर करीब 745 करोड़ रुपए की लागत आई है। परिसरों में लगभग 1500 कारों के लिए पार्किंग बनाई गई है। ये परिसर व्यापक सुरक्षा प्रबंधन के उपायों के साथ अत्याधुनिक और ऊर्जा कुशल हैं। इन भवनों के निर्माण में नई और टिकाऊ निर्माण तकनीक LGSF यानी कि लाइट गैस स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक के कारण पारंपरिक RCC निर्माण की तुलना में 24 से 30 महीने का समय लगा है। भवन में कुशल हरित प्रौद्योगिकी के साथ पर्यावरण के अनुकूल निर्माण किया गया। फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनके पहुंचने से पहले यहां पर विपिन रावत ने पूजा भी की है। तो रक्षा मंत्रालय के दो नए ऑफिसेस का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, पहुंच चुके हैं। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी ये उद्घाटन करें उससे पहले विपिन रावत ने यहां पर पूजा की है। उनके साथ आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। ममता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। ममता, रक्षा मंत्रालय को दो ऑफिसर्स मिलने जा रहे हैं और इससे पहले विपिन रावत ने भी वहां पर पूजा कर ली है। फिलहाल अभी जो ताजा तस्वीरें हम देख रहे थे वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। फिलहाल की अपडेट जानेंगे आपसे। जी बिल्कुल कोमल, देखिए रक्षा मंत्रालय को आज दो नए दफ्तर मिल जाएंगे। एक है कस्तूरबा गांधी मार्ग पर तो दूसरा अफ्रीका एवेन्यू पर स्थित है और दोनों ही कार्यालयों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री जगह पर पहुंच भी गए हैं जहां पर उनको उद्घाटन करना है। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है और शहरी विकास कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर भी वहाँ पर हैं। और इसके अलावा CDS जो खुद पूजन कर रहे थे वो भी मौके पर मौजूद हैं। लंबे समय से ये कार्यालय बन रहा था और सभी लोगों को इंतज़ार था कि ये कब पूरा हो, क्योंकि बताया जाता है कि डिफेंस के लिए ये दोनों ही कार्यालय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें तकरीबन 7000 लोगों के बैठने की जगह है, आराम से यहाँ पर बैठकर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफेंस के साथ सशस्त्र बलों के लिए भी बेहद इंतज़ाम कराया गया है। जहाँ तक ऑफिस का सवाल है तो बहुत ही आधुनिक तरीके से इन दोनों ही दफ्तरों का निर्माण कराया है भारत सरकार ने और तमाम जो आधुनिक इक्विपमेंट होते हैं उन तमाम चीज़ों की मौजूदगी है और वो तमाम सहूलियत डिफेंस के अधिकारियों को मिले जो ज़रूरत है उनको, उसकी सहूलियत को देखते हुए ये रक्षा मंत्रालय के दोनों ही ऑफिस जो है वो बनाए गए हैं। और आज प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं मौके पर जहां पर वो दोनों ही दफ्तरों का उद्घाटन करेंगे। 11 बजे का वक्त था और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS विपिन रावत ये लोग पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे। तो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय के हिसाब से देखें तो जो कर्मचारी अधिकारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनकी इंतजार आज पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, जो इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है, साथ ही जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक विकास जो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है वो इसके ज़रिए साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कोशिशें पहले से चल रही थी उनको आज एक सफल मंजिल जैसा मिलने जा रहा है। ममता,
जी बिल्कुल, लंबे समय से इंतजार हो रहा था, रक्षा मंत्रालय के तमाम अधिकारी इंतजार कर रहे थे। और क्योंकि इसमें 7000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता के हिसाब से बनाई गई है कि कर्मचारी सही तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं, और तमाम आधुनिक इक्विपमेंट भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो कार्यशैली है, या फिर यूँ कहें कि बिल्डिंग की बनावट है, वो तमाम आधुनिक चीज़ों से लैस है, जिसकी ज़रूरत है आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो। कहीं ना कहीं इंतजार खत्म हुआ, प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर में इसका उद्घाटन कर देंगे, और कहा जा सकता है कि डिफेंस मंत्रालय के लिए बेहतरीन दो दफ्तर कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू पर बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में करेंगे, और उसके बाद ये डिफेंस के अधिकारियों के लिए खुल जाएगा और वो आराम से यहाँ से अपना काम कर पाएंगे। कुछ दिन बताए गए हैं ममता कि इतने दिनों में ये शिफ्टिंग पूरी हो जाएगी दोनों ही ऑफिसेज में, क्योंकि पहले इधर उधर सारे जो कर्मी थे वो काम करते थे, और अब इन दोनों ऑफिसेज में ये शिफ्टिंग होगी। तो कितने कुल दिन बताए गए हैं? जहाँ तक दिन का सवाल है, दिन गिनकर नहीं बताया जा सकता है कोमल, क्योंकि शिफ्टिंग में कुछ समय ज़रूर लगेगा, जिसको नंबरों में बताना थोड़ा मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि अगर डिफेंस मंत्रालय की बात करें तो दिल्ली में ही न जाने कितने डिफेंस के मंत्र ऑफिसर्स हैं जो चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, वहाँ पर किस हिसाब से डिफेंस के अधिकारी काम करते हैं, वो अपने हिसाब से तमाम लोग यहाँ पर शिफ्ट होंगे, वो हफ्ते भर में भी हो सकता है, उसमें और भी वक्त लग सकता है, इसलिए नंबरों में बताना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन डिफेंस मंत्रालय पूरी कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द शिफ्ट कर दिया जाए, डिफेंस के तमाम अधिकारी और कर्मचारी एक जगह पर पहुँच जाएँ जहाँ पर वो आराम से अपना काम कर सकें। हालाँकि ये बात सही है कि शिफ्टिंग में थोड़ा वक्त तो लगेगा, देखना ये होगा कि कितने दिन में ये लोग शिफ्ट कर पाते हैं। ममता, ये भी कहा जा रहा है ये जो दफ्तर बनाए गए हैं आधुनिक तकनीक से लैस हैं, और जो तकनीक से बनाया गया है इन दफ्तरों को, उसमें कुछ ज़्यादा वक्त लगा है, क्योंकि पुराने समय में जिस तरह से काम होता था उससे अलग काम किया गया है, तो उस तकनीक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। जहाँ तक ये आपको बता दूँ कोमल, ये रक्षा मंत्रालय का दफ्तर है, और रक्षा मंत्रालय का जो दफ्तर है कुछ इस तरीके से बनाया गया है, आधुनिक इक्विपमेंट इसमें लगाए गए हैं, जिसके बारे में मैं पहले ही आपसे चर्चा कर रही थी, ताकि तमाम जो खुफिया चीज़ें हैं खासतौर पे बाहर के लोग सही तरीके से एक्सेस ना कर पाएँ, और जो गुप्त सूचनाएं होती हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और डिफेंस को लेकर आपको पता है कि डिफेंस जो है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है, तो ऐसे में जिस तकनीक के बारे में आप जानना चाहती हैं वो टीवी पर बताना शायद उचित भी नहीं होगा, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मसला होता है, और डिफेंस की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही गुप्त तरीके से रखी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है भारत सरकार की तरफ से वो पूरी कोशिश की गई है कि डिफेंस के अंतर्गत जितनी चीज़ें आती हैं वो सभी चीज़ें गुप्त रहें, बाकी लोगों की नज़र उस पर ना पड़े, इन्फॉर्मेशन उन लोगों को ना मिल पाए, क्योंकि देखा जाए तो डिफेंस की हमेशा से ही दूसरे देशों की निगाहें होती हैं कि आखिरकार दूसरा देश किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी कार्यशैली, वो किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर सरकार ये कोशिश करती है कि उसके बारे में किसी भी आउटसाइडर को जानकारी ना मिले, जो सूचनाएं हैं वो हमेशा गुप्त रहें, ताकि भारत सरकार सही समय पर उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। जहां तक इस बिल्डिंग का सवाल है, तो वो तमाम आधुनिक तकनीक से ये बिल्डिंग लैस है, जिसकी आज के युग में डिफेंस मंत्रालय को जरूरत है। कोमल, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।